Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. यह वीडियो कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए है. कंपैटिटिव इंग्लिश में आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम आज रिवीजन एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे. तो आइए फर्स्ट सेंटेंस से हम करते हैं. The director has refused to give them an appointment on Wednesday because he has another meeting scheduled. तो यहाँ पर देखिए, the director has refused to, या to आया है, तो to के बाद ये second form आई है gave. जबकि to के बाद हमेशा क्या आता है, is to plus first form of the verb मिलकर के infinitive बनाते हैं. तो यहाँ पर gave नहीं होना चाहिए बल्कि give होना चाहिए. तो इसलिए इस गेव को गिव लिखना चाहिए हमको. तो फर्स्ट सेंटेंस के सेकंड पार्ट में पहला जो वर्ड है गेव, इसको हमको गिव लिखना पड़ेगा. और गिव लिख करके हम इस सेंटेंस को सही कर लेंगे और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. सेकंड सेंटेंस, द मीडिया कैन प्ले अ क्रूशल रोल इन शोज. तो यहां इन शोज कैन प्ले अ क्रूशल रोल के बाद यहां क्या आएगा, इन शोज नहीं आएगा बल्कि यहां किस में, मतलब मीडिया क्रूशल प्ले, क्रूशल रोल प्ले कर सकता है. तो क्रूशल रोल किस में प्ले कर सकता है, तो यहाँ पर हम एक तो यहाँ पर हम इन लगा सकते हैं. यहाँ इन थोड़ा सा हम लगा देना चाहिए तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. इन शायद यहाँ से हट गया है. तो इन, उसके बाद इन के बाद अब यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन क्या हो, मतलब चूंकि इन प्रेपोजिशन हो गया तो इसलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेरेंड फॉर्म आ जाएगा. तो इन इंश्योरिंग हो जाएगा, इन इंश्योरिंग दैट ऑर्डिनरी सिटीजन्स गेट जस्टिस. तो यहाँ पर सेकंड थर्ड पार्ट में, सेकंड सेंटेंस के थर्ड पार्ट में ये जो इंश्योर्स लिखा हुआ है, इंश्योर्स, इसको हमें क्या करना चाहिए, इंश्योरिंग करना चाहिए, यानी इसको हमें जेरेंड फॉर्म में लिखना चाहिए. द थर्ड सेंटेंस इज The government has vowed to achieve its goal of sending. तो यहाँ पर of sending देखिए आया है, of sending a child to school in the next 2 years. तो ये next 2 years के लिए government has vowed, मतलब government ने एक अपने आप से promise किया है या vowed या कसम खाई है. तो कसम खाई है तो ये क्या, one time action है, temporary action है, one time action है to achieve its goal. तो यहाँ goal, तो गोल क्या है, वो वन टाइम एक्शन है. तो टू सेंड होना चाहिए, मतलब वन क्या खाई है, व्हाट इज गोल. तो द गवर्नमेंट हैज वाउड टू अचीव इट्स गोल. तो गोल क्या है, टू सेंड अ चाइल्ड टू स्कूल. तो यहां पर ऑफ सेंडिंग की जगह टू सेंड आना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटिव की आवश्यकता है यहां जो है. ऑफ प्लस यानी प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड फॉर्म की आवश्यकता नहीं है. एक बार का टेम्पररी एक्शन को हमको पर्पस को दिखाना है, तो पर्पस को दिखाने के लिए टू सेंड होना चाहिए, ऑफ सेंडिंग नहीं होना चाहिए. सो थर्ड सेंटेंस के पार्ट टू में ऑफ सेंडिंग को हमको ये प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड फॉर्म है, तो हमको इसको टू सेंड में लिखना चाहिए. फोर्थ सेंटेंस, अ कस्टमर यूजुअली गोज टू ए बैंक टू डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी और अप्लाईज फॉर लोन्स. यहां पर देखिए, अ कस्टमर यूजुअली गोज टू अ बैंक, एक कस्टमर बैंक जाता है यूजुअली टू डिपॉजिट, यानी यहां से हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म शुरू हो गई, टू डिपॉजिट और विदड्रॉ. तो और विदड्रॉ क्या है, और टू विदड्रॉ, यानी टू यहां आ गया तो हम बार बार टू नहीं लगाते. तो ये जो है टू डिपॉजिट हो गया और टू विड्रॉ हो गया मनी. और तो ये जिस तरह से और के बाद ये टू नहीं आया और इसको हमने टू ही मान लिया और विड्रॉ मनी. और तो यहां भी हमको, चूंकि क्या है यहाँ ये और की सीरीज चल रही है, तो ये भी क्या होगा, ये भी इन्फिनेटिव ही होगा. मीन्स और टू अप्लाई, मतलब लिखा नहीं जाएगा लेकिन समझने के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं. जिस तरह से टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी और, तो यहां भी और अप्लाई फॉर लोन्स होगा. तो यहां ये तीनों एक इन्फिनेटिव हैं, तो इसलिए ये अप्लाईज तो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म होगी. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की नहीं होनी है क्योंकि ये किससे, और से जुड़े हुए हैं. तो इसका मतलब है कि ये सभी इसी टू की वर्ब हैं, यानी ये टू ही सबको इन्फिनेटिव यहां बना रहा है. तो और अप्लाईज नहीं होगा बल्कि और अप्लाई फॉर लोन्स ये हो जाएगा, यानी फोर्थ सेंटेंस के
फोर्थ पार्ट में अप्लाइज में से IES हटा करके इसको APPLY लिखना पड़ेगा, फिर हो जाएगा और अप्लाई फॉर लोन्स, राइट। फिफ्थ सेंटेंस इज दी स्कीम फेल्ड बिकॉज सम स्टेट्स कुड नॉट मैनेज, देखिए यहाँ आ गया स्टेट्स कुड नॉट मैनेज, उसके बाद फिर नॉट नहीं आना चाहिए, मैनेज टू रेज द नेसेसरी फंड्स होगा, तो यहाँ नॉट जो है वो नेगेटिव नेगेटिव मिल करके तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ कुड नॉट मैनेज तो नॉट टू रेज, फिर ऐसे नहीं कुड नॉट मैनेज टू रेज होगा, तो यहाँ से इसमें से नॉट हटाना पड़ेगा, यानी फिफ्थ सेंटेंस के थर्ड पार्ट से नॉट हटाने की आवश्यकता है, फिफ्थ सेंटेंस के थर्ड पार्ट से नॉट हटाने की आवश्यकता है, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सिबिशन द ओल्ड मैन हु वॉज लुकिंग अनयूजुअली चीयरफुल कैप्ट ऑन टेक नोट्स। देखिए कैप्ट ऑन आया है, यानी ऑन मतलब प्रेपोजिशन आ गया, तो प्रेपोजिशन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, तो कैप्ट ऑन टेकिंग नोट्स हो जाएगा, यानी सिक्स्थ सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में कैप्ट ऑन के साथ टेक प्लस ING आ जाएगा, कैप्ट ऑन टेकिंग नोट्स हो जाएगा ये। सेवंथ सेंटेंस, सेवन सेंटेंस, द पुलिस मैन वेंट अवे अपेरेंटली कन्विंसिंग बट ही डिड नॉट फील सेफ एट ऑल। तो द पुलिसमैन वेंट अवे अपेरेंटली, अपेरेंटली कैसे गया पुलिसमैन, कन्विंसिंग की यहाँ आवश्यकता नहीं है, कन्विंसिंग मतलब करते हुए नहीं बल्कि कन्विंस हो करके गया, यानी कि सेटिस्फाइड हो करके गया, इस तरह से कह सकते हैं, तो इसलिए मतलब कंप्लीट एक्शन हमको यहाँ दिखाना होगा, और कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, ING फॉर्म यूज नहीं की जाती, तो इसलिए हो जाएगा द पुलिसमैन वेंट अवे अपेरेंटली कन्विंस्ड, यानी अपेरेंटली मतलब ऐसे कुछ दिखता हुआ, कन्विंस्ड दिखता हुआ, या ऐसा मतलब कुछ कुछ कन्विंस्ड लगता हुआ, या ऐसे गया पुलिसमैन, बट ही डिड नॉट फील सेफ एट ऑल, लेकिन वह अपने आप को उसने फील महसूस नहीं किया, तो द पुलिसमैन वेंट अवे अपेरेंटली कन्विंस्ड, है ना, कन्विंस्ड मतलब सेटिस्फाइड एक तरह से, तो यह कन्विंस्ड होगा ना कि कन्विंसिंग होगा, यानी कि एक्शन कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। एट सेंटेंस, आई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट लाइक्ड, तो देखिए वॉज नॉट लाइक्ड बाई माई पेरेंट्स एंड आवर वेल विशर्स, तो बाई माई पेरेंट्स एंड आवर वेल विशर्स, तो यहाँ पर देखिए वैसे तो इसमें बाई माई पेरेंट्स एंड आवर वेल विशर्स देखिए, लेकिन यहाँ देखिए आई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज, तो वॉज यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब होने के कारण ये क्या है, पूरा का पूरा ये जो भी है यहाँ ये क्या है, ये सब्जेक्ट बन रहा है वॉज का, तो वॉज का सब्जेक्ट होने के लिए या तो इसको क्लॉज होना चाहिए, क्लॉज मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए तब ये सब्जेक्ट बन सकता है, तो कंप्लीट सेंटेंस तो है नहीं, आई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई वॉज बिकमिंग, आई एम बिकमिंग, ऐसे होता तब ये क्लॉज होता, जब ये क्लॉज नहीं है तब यहां पर हमें क्या करना चाहिए, तब हम ऐसे सेंटेंसेस में इनको एब्सोल्यूट यूज कहते हैं, तो एब्सोल्यूट यूज हमको करना चाहिए, तो हालांकि यहाँ बिकमिंग को माना जा सकता है एब्सोल्यूट यूज में, लेकिन बिकमिंग से क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें बिकमिंग की जगह हमें क्या लगाना चाहिए, बीइंग लगाना चाहिए, आई बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, हालांकि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है माई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई को हटा दें और हम यहां लिख दें माई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट लाइक, यानी मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बनना पसंद नहीं किया गया, तो आई की जगह माई लगा करके माई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, माई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट लाइक्ड ये भी हो सकता है, और आई बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर या मेरा एडमिनिस्ट्रेटर होना अच्छा नहीं लगा, तो आई बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट लाइक्ड, मतलब आई वॉज नॉट लाइक्ड बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, तो इस तरह से दोनों सेंटेंसेस ये हो सकते हैं। एट सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में या तो आई बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या फिर इसी को माई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर या माई बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जा सकता है। नाइन्थ सेंटेंस, नेगोशिएशंस विद द बैंक आर एट एन एडवांस्ड स्टेज एंड वी होप टू साइंड,
यहाँ देखिए टू टू के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे टू साइंड, तो ये टू साइंड कभी नहीं हो सकता, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो इसलिए वी होप टू साइन हो जाएगा, वी होप टू साइन द डील सून, नेगोशिएशंस विद द बैंक आर एट एन एडवांस्ड स्टेज एंड वी होप टू साइन द डील सून, ये हो जाएगा यहाँ पर। टेंथ सेंटेंसेस, ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री आर, तो यहाँ देखिए आर का मतलब है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो कैसे, ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री, तो यहाँ आई आर आया है, अगर हम सेंटेंस को सब्जेक्ट मानेंगे तो यहाँ आर की जगह हमको इज लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इन ग्रेट डिमांड, तो आर का मतलब है कि यहाँ कोई प्लुरल हमको चाहिए ही चाहिए, कोई चीज है ये आर, वो ग्रेट डिमांड में, तो हम इसलिए हम इसको सेंटेंस फिर नहीं बना सकते, यहाँ आर का मतलब है कि हमको यहाँ प्लुरल नाउन ही चाहिए, तो अभी ये ग्रेजुएट्स है वो हैव का सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमें इसको इस स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहिए, तो क्या हो जाए, ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन दी आईटी इंडस्ट्री, और ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सपीरियंस, या तो हम ऐसे कह सकते हैं ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सपीरियंस इन दी आईटी इंडस्ट्री, या तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन दी आईटी इंडस्ट्री, ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन दी आईटी इंडस्ट्री, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, तो ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन दी आईटी इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड, ऐसे हम कह सकते हैं, हैविंग एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री कह सकते हैं, और ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सपीरियंस इन दी आईटी इंडस्ट्री, दोनों तरह से यह सेंटेंस सही है। 11th सेंटेंस, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज द न्यू स्टाफ, तो यहां देखिए ऑफ के बाद क्या है, अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड, तो एंड के बाद क्या आएगा, एंड के बाद सुपरवाइज, तो सुपरवाइज क्या आना चाहिए, हम कहते हैं कमिंग एंड गोइंग, ऐसे कहते हैं ना, आई डोंट लाइक योर कमिंग एंड डिस्टर्बिंग मी, हम ऐसे कहते हैं, यानी अगर एंड से पहले कोई कोई जेरेंड फॉर्म आए, मतलब एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है, तो एंड किसको जोड़ रहा है, सुपरवाइज को, तो सुपरवाइज के लेवल में कौन सा वर्ड है, अरेंजिंग, तो अरेंजिंग क्या है, आई एन जी फॉर्म है, चूंकि अरेंजिंग आई एन जी फॉर्म है तो एंड के बाद आने वाला जो वर्ड है या जो वर्ब है वो भी किस में होगा, आई एन जी फॉर्म में ही होना चाहिए, ऐसे भी आप कह सकते हैं, और चूंकि अरेंजिंग अगर जेरंड फॉर्म में है तो ये भी जेरंड फॉर्म में ही होना चाहिए, तो सुपरवाइजिंग दी न्यू स्टाफ ये हो जाएगा, यानी कि 11th सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में सुपरवाइज द न्यू स्टाफ की जगह सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ हो जाएगा। 12th सेंटेंस इज, टू बी ए किंग एंड वेयर अ क्राउन आर मोर ग्लैमरस टू सी देन टू हियर, तो यहाँ सी रादर देन भी हो सकता है और रादर ना भी लिखे, तो देन देन के बाद कभी भी टू नहीं आता है, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, देन के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, ये ध्यान रखना चाहिए, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव ऑलवेज कम्स आफ्टर देन, सो देन हियर हो जाएगा यहाँ, मतलब टू हियर नहीं होगा, सो 12th सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में देन टू हियर जो आया है इसमें से टू हटा दिया जाएगा, सी देन हियर या सी रादर देन, रादर भी जोड़ा जा सकता है, रादर देन हियर भी हो सकता है और सी देन हियर भी हो सकता है, यानी टू नहीं आएगा, टू इसमें प्रॉब्लम है। नाउ 13th सेंटेंस, अनलाइक दीज डाइज ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स एंड स्पेंड, तो अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि एंड स्पेंड यहाँ आया है और यहाँ रीडिंग आया है, तो ये भी क्या होगा, एंड स्पेंडिंग क्वाइट सम टाइम इन द लाइब्रेरी व्हेन ही वाज यंग, तो एंड स्पेंडिंग हो जाएगा, इस वर्ड को यहाँ पर देखते हुए ये भी क्या हो जाएगा, एंड स्पेंडिंग क्वाइट सम टाइम हो जाएगा। 14th सेंटेंस, वी वर फोर्स्ड इनटू रिएक्ट, तो यहाँ फोर्स्ड इनटू रिएक्ट नहीं होता है, फोर्स्ड टू रिएक्ट होगा, यानी इनटू की जगह में इनटू को हटा करके क्या लिखा जाएगा, वी वर फोर्स्ड टू रिएक्ट हो जाएगा, वी वर फोर्स्ड टू रिएक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू अडियर टू दीज आउटडेटेड रेगुलेशन, सो वी वर फोर्स्ड टू रिएक्ट एज नाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू अडियर टू दीज आउटडेटेड रेगुलेशन, सो फोर्स्ड टू रिएक्ट मीन्स वी वर प्रेशराइज्ड टू
रिएक्ट मीन्स सो मच ट्रबल और थिंग्स वर क्रिएटेड अराउंड अस और एनवायरनमेंट वॉज अफेक्टेड अराउंड अस दैट वी हैड टू रिएक्ट. इसका मतलब ये हो गया. वेल 14th सेंटेंस के बाद अब हम 15th सेंटेंस की ओर जाएंगे. तो 15th सेंटेंस इज ऑन इन द अदर रो. तो इधर हम आ जाएंगे इस सेंटेंस की तरफ एंड और क्या हो जाएगा 15th सेंटेंस. तो द गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम टू कॉम्पनसेट दोज कंपनीज. तो दोज कंपनीज टू सेल. टू सेल का मतलब है कि वो अभी कर नहीं रही, आगे करेंगी. लेकिन ये सेंटेंस का जो अर्थ है वो दिखाता है कि अभी कंपनी सेल कर रही हैं. तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेल करने वाली कंपनियां, हम इस तरह से हिंदी बनाएंगे उसकी. तो दोज कंपनीज सेलिंग प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस. द गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम टू कॉम्पनसेट दोज कंपनीज सेलिंग प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस. ये हम यहाँ पर कहेंगे. तो कंपनीज के बाद यहाँ टू सेल. देखिए इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा ये वैसे तो ग्रामर में आप समझेंगे, लेकिन ग्रामर का अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ेंगे तो मैंने उसमें ये कहा हुआ है. लेकिन यहाँ भी फिर से एक बार मैं बता दूँ कि हमेशा ING फॉर्म का मतलब है कि करते समय कोई काम हो रहा है, बोलते समय तो उसमें ING फॉर्म लगाते, कहने के बाद कोई काम होगा तो उसमें इन्फिनेटिव लगाते हैं, एंड कहने से पहले उसमें कोई हो रहा है तो फिर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ये इन्फिनेटिव का यूज होता है. तो यहाँ कहते समय चीजें हो रही हैं तो यहाँ पर हमको या तो टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ING यानी उसमें प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव होता है, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव होता है, या फिर यहाँ पर हमें पार्टिसिपल के दोज कंपनीज सेलिंग, यहाँ पे हमें ING फॉर्म की जरूरत है. टू सेल नहीं होगा. टू सेल का मतलब है कि अब इसके बाद सेल करेंगे जब हमको उसी समय, जैसे मतलब इस जब जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कोई प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ तो टू लॉन्च प्रोग्राम मैं कहूँगा. एंड कोई प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है, मेरा लैपटॉप ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं कहूँगा द लैपटॉप रनिंग. इस तरह से. तो इसी तरह से कंपनीज सेलिंग प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस ये हो जाएगा. यानी पार्ट 15th सेंटेंस के पार्ट थर्ड में टू सेल को हटाकर सेलिंग लिखा जाएगा. 16th सेंटेंस इज द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड. तो फाइनलाइज्ड की जगह क्या हो जाएगा, फाइनलाइजिंग. द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ आ गया, तो ऑफ के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ द फॉर्म नहीं यहाँ आ सकती, उसके बाद हमेशा ING फॉर्म ही आएगी. तो प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग हो जाएगा. द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. तो फाइनलाइजिंग हो जाएगा. यानी 16th सेंटेंस के पार्ट टू में ऑफ फाइनलाइज्ड की जगह पर ऑफ फाइनलाइजिंग हो जाएगा, ऑफ फाइनलाइजिंग. 17th सेंटेंस, एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाइसिकल्स. तो यहाँ पर देखिए चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर नहीं होता, लीडिंग मैन्युफैक्चरर होता है, और मैन्युफैक्चरर होना चाहिए मैन्युफैक्चरर. तो एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर होता है. तो वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा. तो इसलिए लीडर में से मीन्स 17th सेंटेंस के पार्ट थ्री में, पार्ट थ्री नहीं पार्ट टू में जो लीडर वर्ड है, लीडर में से आर और ई आर हटा करके इसको ING इसमें जोड़ा जाएगा और लीडर को लीडिंग कहा जाएगा. एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाइसिकल्स. 18th सेंटेंस इज माई सिंग स्टाइल. तो सिंग स्टाइल माई माई आया है तो माई के साथ क्या आएगा, जीरेंड फॉर्म आएगी. तो माई सिंगिंग स्टाइल हो जाएगा, ना कि माई सिंग स्टाइल हो जाएगा. तो माई सिंगिंग स्टाइल वॉज यूनिक बट आई वुड हैव बीन नथिंग विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर्स. तो ये यहाँ इसमें अपने आप को थोड़ा सा
मतलब ये करने की कोशिश की है सेंटेंस में ऐसा कि म्यूजिक कंट्रीब्यूशन, मतलब उसको थोड़ा सा ओ किया है, मतलब एहसान उतारने वाली बात है इसमें, तो माई सिंगिंग स्टाइल हो जाएगा 18th सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट पार्ट में, माई सिंगिंग स्टाइल विल बी द राइट। 19th सेंटेंस, द एक्ट्रेस वॉज ओर्डर्ड, द एक्ट्रेस वॉज ओर्डर्ड फॉर, तो ये जो फॉर है वो क्या हो जाएगा, फॉर वेयरिंग एन एल्कोहल, या फिर यहाँ क्या हो जाएगा टू, चूंकि ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड सिंगल टाइम एक्शन हो गया, तो सिंगल टाइम एक्शन के लिए टू ऑर्डर्ड टू वेयर एन एल्कोहल मॉनिटरिंग ब्रेसलेट, तो यहाँ टू हो जाएगा, टू, द एक्ट्रेस वॉज ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड टू होना चाहिए ना कि ऑर्डर्ड फॉर होना चाहिए, द एक्ट्रेस वॉज ऑर्डर्ड, द एक्ट्रेस वॉज ऑर्डर्ड फॉर, फॉर की जगह पर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, यानी फॉर को हटा करके 19th सेंटेंस के पार्ट वन में फॉर हटा करके फॉर की जगह यहाँ टू लिखा जाएगा, वॉज ऑर्डर्ड टू वेयर एन एल्कोहल मॉनिटरिंग ब्रेसलेट, ठीक है। 20th सेंटेंस, कोचेज हैव द एडवांटेज ऑफ, यहाँ ऑफ आ गया तो ऑफ के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के साथ ड्रॉ मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो कोचेज हैव द एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइडिंग देयर प्लेयर्स विद यूनिक इनपुट्स, तो कोचेज हैव द एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग हो जाएगा यहाँ, एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ड्रॉइंग ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो जाएगा यहाँ पर, यानी ड्रॉ के साथ आई एन जी, 20th सेंटेंस के पार्ट टू में ड्रॉ के साथ आई एन जी लिख करके सेंटेंस को करेक्ट किया जाएगा, दिस इज द करेक्शन। 21st सेंटेंस, द एक्टर हु लव्स टू थिंक नेवर इंजॉय, मतलब जो एक्टर जो जो सोचना पसंद करता है, द एक्टर हु लव्स टू थिंक नेवर इंजॉयज, तो नेवर इंजॉयज के साथ यहाँ नेवर क्या दिखाता है, नेवर एक हैबिट को दिखाता है, नॉट एट एनी टाइम, ठीक है, तो इंजॉयज क्या है, स्टिक, तो अभी इस पर बात करेंगे, स्टिक टू वन काइंड ऑफ रोल एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट, तो यहाँ फाइंड्स है यहाँ इंजॉयज है, तो इसके इक्वल तो यहाँ ये है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस तरह से सही हो गया, इट डिफिकल्ट टू फुलफिल एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, तो यहाँ पर देखिए, द एक्टर हु लव्स टू थिंक नेवर इंजॉयज, तो इंजॉयज के बाद क्या आ जाएगा, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, नेवर में अगर हमें कंटिन्यूटी दिखाना है तो क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी, एक बार की घटना होगी तो हो जाएगा एवर नेवर एंजॉयज टू स्टिक टू वन काइंड, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या दिखाना है, उसकी हैबिट दिखाने को, ऐसा काम कंटिन्यूली नहीं करता, तो स्टिक क्या दिखाता है, स्टिक कंटिन्यूटी दिखाता है, तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए नेवर एंजॉयज स्टिकिंग टू वन काइंड ऑफ रोल हो जाएगा, यानी जो एक्टर सोचना पसंद करता है वो जो है एक प्रकार के एक तरह के रोल से चिपके रहना पसंद नहीं करता, वो तरह तरह के रोल्स करना पसंद करता है, दिस इज दी, तो इंजॉयज या क्या आएगा यहाँ पर जेरंड फॉर्म आएगा, जेरंड फॉर्म, जेरंड स्टिकिंग आएगा यहाँ पर, यहाँ मतलब सेकंड पार्ट में 21st सेंटेंस के सेकंड पार्ट में स्टिक को स्टिकिंग लिखा जाएगा। 22nd सेंटेंस, इन अबाउट 5 मिनट्स दे वुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द रोड टू द पॉइंट वेयर दी वेव्स वुड बिगिन, लिख देयर, तो यहां देखिए लिख देयर फीट, तो बिगिन आया है, बिगिन के साथ क्या है लिख, यानी फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी कंटिन्यूटी दिखानी है, तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए क्या होगा, बिगिन लिकिंग देयर फीट, एक बार की घटना होगी तो बिगिन टू लिक देयर फीट हो जाएगा, और बार रिपीटेड हैबिट होगी या रिपीटेड इंसिडेंट होगी तो बिगिन लिकिंग देयर फीट हो जाएगा, तो इन अबाउट 5 मिनट्स दे वुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द रोड टू द पॉइंट वेयर द वेव्स वुड बिगिन लिकिंग देयर फीट, जहां पर जो वेव्स है वो उनके फीट को लिक करने लगेंगी, तो देयर लिकिंग देयर फीट हो जाएगा यहाँ पर, यहां पर मतलब 22nd सेंटेंस के पार्ट फोर में लिक को लिकिंग लिख दिया जाए तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ 23rd सेंटेंस एंड 23rd सेंटेंस, द प्रीस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रेम्ट ऑफ, तो ये ऑव आ गया, ऑव आने का मतलब है कि हमको यहाँ आई एन जी फॉर्म चाहिए,
ड्रैम्ड ऑफ बीइंग रिच वन डे, ड्रैम्ड ऑफ बीइंग रिच वन डे, तो यहाँ बी प्लस आईएनजी आ जाएगा, बीइंग रिच वन डे हो जाएगा। दी प्रीस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रैम्ड ऑफ बीइंग रिच वन डे, ये हो जाएगा। 24th, अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, तो यहाँ लिव्स इन अ फॉरेस्ट हो गया, वॉज लॉयली सर्व्ड बाई अ जैकॉल दैट यूज टू अकंपनी द लॉयन वेयर एवर ही वेंट। तो यहाँ पे देखिए, अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया। वॉज लॉयली सर्व्ड, तो यहाँ मतलब वॉज लॉयली सर्व्ड, तो ये सर्व वर्ब किसके लिए आ रही है, वर्ब आ रही है लॉयन के लिए, जबकि वॉज का मतलब है कि पूरे के पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो रहा है, वर्ब हो रही है, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस हो रहा है, जबकि ये वर्ब किसको क्वालिफाई कर रही है, लॉयन को, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, लॉयन, और ये वॉज का सब्जेक्ट कौन है, पूरा सेंटेंस। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक म्यान में दो तलवार कैसे हो सकती है, यानी अगर सर्व्ड का सर्व जो सब्जेक्ट है वो लॉयन है, तो फिर ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं बन सकता, यानी यहां पर सेंटेंस नहीं, तब सिर्फ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें के लॉयन ही सब्जेक्ट दिखाई दे, तो यहां पर ये सेंटेंस नहीं हो सकता। और सेंटेंस होगा तो यहां जो भी वर्ब आएगी वो सेंटेंस को क्वालिफाई या सेंटेंस से रिलेटेड काम करती हुई आएगी या बात करती हुई आएगी, यहां ये लॉयन को क्वालिफाई या लॉयन के विषय में बात करती हुई नहीं आएगी, तो इसलिए अ लॉयन लिविंग इन अ फॉरेस्ट ही हो जाएगा। अ लॉयन लिविंग इन अ फॉरेस्ट वॉज लॉयली सर्व्ड, यानी फॉरेस्ट में रहने वाले लॉयन को लॉयली सर्व किया जाता था बाय अ जैकॉल, ठीक है। इस तरह से लॉयन लिविंग, अब ये सेंटेंस नहीं बचा, अब ये क्या हो गया, अब ये फ्रेज हो गया, ठीक है। तो अ लॉयन लिविंग इन अ फॉरेस्ट, तो कौन सा लॉयन, लिविंग इन फॉरेस्ट में रहने वाले लॉयन को लॉयली सर्व्ड बाई अ जैकॉल, एक जैकॉल के द्वारा उसको लॉयली सर्व किया जाता था, ये हो जाएगा। तो अ लॉयन लिविंग इन अ फॉरेस्ट हो जाएगा 24th सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में, लिव्स को लिविंग में चेंज करना होगा, अ लॉयन लिविंग इन अ फॉरेस्ट हो जाएगा। 25th सेंटेंस, द डॉक्टर हेल्प्स टू रिड्यूसिंग ह्यूमन सफरिंग बाई क्योरिंग डिजीज, अ डॉक्टर हेल्प्स, तो यहाँ हेल्प्स के साथ टू रिड्यूसिंग नहीं होगा, हेल्प्स टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग, हेल्प्स टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग होगा। हेल्प्स के साथ वैसे तो टू नहीं आता है, ही हेल्प्स, लेकिन वो तब नहीं आता जब हेल्प्स के बाद या बीच में ऑब्जेक्ट हो, तब नहीं आता है, ही हेल्प्स मी रीडिंग, इस तरह से तब होता है। तो द डॉक्टर हेल्प्स टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग, इस तरह से अगर हेल्प के बाद कोई यहाँ पर है तो हेल्प्स, द डॉक्टर हेल्प्स टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग बाई क्योरिंग डिजीजेज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, ये बाकी सब ठीक है, तो हेल्प्स टू रिड्यूस हो जाएगा, ना कि टू रिड्यूसिंग होगा, तो हेल्प टू रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। 26th, यहाँ पर मतलब डॉक्टर, द डॉक्टर हेल्प्स टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग, तो सेकेंड पार्ट में टू रिड्यूसिंग की जगह टू हट जाएगा, मतलब टू रिड्यूस हो जाएगा, आईएनजी हटा दी जाएगी। 26th, इंस्टेड ऑफ, यहाँ ऑफ आ गया तो यहाँ पर टू बाई की जगह क्या हो जाएगा, बाई प्लस आईएनजी, यानी कि ऑफ के बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म हमको चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स हो जाएगा, टू बाई बुक्स की जगह बाइंग बुक्स हो जाएगा, यानी यहाँ से टू हट जाएगा, यहाँ से मतलब सेकेंड पार्ट के बाई से टू हट जाएगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स आई बोरो दैम फ्रॉम द लाइब्रेरी, इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स, तो टू बाई की जगह बाइंग बुक्स हो जाएगा यहाँ पर। 27, यूड बेटर गॉन नाउ, तो बेटर के बाद क्या है, यूड बेटर स्टे, यूड बेटर रीड, यूड बेटर, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है बेटर के बाद, थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो 27th सेंटेंस के सेकंड पार्ट में गॉन को गो कर दिया जाएगा, यूड बेटर गो नाउ, यानी गॉन को गो कर दिया जाएगा, यूड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट, सो गो नाउ, ये हो जाएगा यहाँ पर। 28th सेंटेंस, टू बिगेन विद, तो यही देख लीजिए, टू है, टू के बाद फिर ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, तो टू बिगेन विद नहीं होगा, टू बिगिन विद होगा, तो टू बिगिन विद थ्री एजेंसीज वर, तो यहाँ पर टू बिगिन होगा ना कि बिगेन होगा, तो राइट, बी ई जी आई एन होगा,
तो 28 सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट में बिगैन को बिगिन लिखा जाएगा, BEGIN कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। टू बिगिन विद थ्री एजेंसीज वर रिटेन्ड टू स्टडी एंड सबमिट रिकमेंडेशंस, राइट। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हुई। ये थर्ड एक्सरसाइज ऑफ रिवीजन रिवीजन एक्सरसाइज है, थर्ड रिवीजन एक्सरसाइज है इन्फिनिटिव की, मीन्स नॉट इन्फिनिटिव, आई एम सॉरी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। इसकी प्रैक्टिस करिए एंड तब तक हम आपको अगली एक्सरसाइज हम आपको प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्ड करते हैं। तब तक इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।